Hi guys, you can expect 9 marks from this indefinite integral, so this is a very important video. ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था मार्च 2017 में. तो यहाँ पे इंटीग्रल साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, हमको रूट से नफरत है, हमको रूट हटाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सब्सटीट्यूट करेंगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी. जैसे हमने रूट एक्स इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दिया तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स, मतलब रूट एक्स का डेरेवेटिव इज इक्वल्स टू डी टी. सो देयरफॉर जो हमारा इंटीग्रल आए हो जाएगा, इंटीग्रल अभी हो जाएगा साइन टी अपॉन टी इंटू, अब देखो डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2t इंटू डी टी, राइट. क्योंकि देखो यहाँ पे 2 रूट एक्स, अच्छा ठीक है चलो अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो 2 रूट एक्स इंटू डी टी. अब रूट एक्स की जगह पे अपन ने क्या लिया, t लिया, तो हो जाएगा साइन t अपॉन t इंटू 2t डी टी. ये t t कैंसल, 2 कांस्टेंट बाहर, साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉस t प्लस c, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ, और टी की जगह अब डाल दो रूट एक्स, तो कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस सी, दैट्स आवर आंसर. मार्च 2017 3 मार्क्स का क्वेश्चन. ये हमको पार्ट्स प्रूव करना है, राइट. यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी. अब देखना यहाँ पे ना हमको डेरिवेटिव यूज करके हमको प्रूव करना है. तो सबसे पहली स्टेप अगर जम जाए ना तो उसके बाद बहुत चीज़ें आसान होती है. तो सबसे पहली चीज़ है इंटीग्रल वी डी एक्स को हमने ले लेना है डब्ल्यू, राइट. इंटीग्रल वी डी एक्स को हम ले लेंगे डब्ल्यू. सो देयरफॉर हम डेरिवेट करेंगे दोनों जगह, तो डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी. सॉरी, ऑल्सो डब्ल्यू यानी क्या है, डब्ल्यू है डी डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू, राइट. अच्छा w का अपन बाद में देखें, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू डब्ल्यू क्या होगा, एक और कंसिडर करेंगे. तो ये हो जाएगा u इंटू डी डी एक्स ऑफ w प्लस w इंटू डी डी एक्स ऑफ u, राइट. यहाँ पे हमको पता है u इंटू डब्ल्यू का हमको करना है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने डी डी एक्स ऑफ w क्या लिया था, डी डी एक्स ऑफ w हो गया v. तो ये हो गया u इंटू v प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट. जैसे हमने इंटीग्रेट कर लिया दोनों जगह, तो ये हो जाएगा यू इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यू इंटू वी प्लस इंटीग्रल डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी ओ बाई डी एक्स इन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ऑफ कोर्स. अच्छा यहाँ पे भी यू इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आ जाएगा, करेक्ट. अब हम थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे, हमको तो इसका निकालना है यू इंटू वी डी एक्स का, सॉरी हमको तो इसका निकालना है यू इंटू वी डी एक्स का. तो हम इसको ले लेंगे एक साइड, तो इंटीग्रल यू इंटू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू इंटू डब्ल्यू माइनस इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सॉरी, राइट. विच इज़ इक्वल्स टू, अब यू इंटू डब्ल्यू हमको पता है कि हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, ये देखो डब्ल्यू क्या है अपना, डब्ल्यू है इंटीग्रल ऑफ वी. तो ये हो गया यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू, अगेन क्या हुआ, तो ठीक है पहले डी यू बाई डी एक्स लिख लेंगे, इंटू अगेन डब्ल्यू क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और इसका पूरा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दैट्स इट. ये हमारा प्रूफ रहेगा. अब इसमें पता है क्या सबसे मेन है, ये फर्स्ट स्टेप क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट, दैट इज इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. हम ये अलग टर्म कंसिडर करेंगे, दैट इज ये डब्ल्यू. अब हमको पता है कि हमको ये यूज़ करना ही, हमको चेन रूल नहीं, वो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का हमको डेरिवेटिव वो यूज़ करना ही है, राइट. तो इसीलिए हम डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी कंसिडर करते हैं, और यू इंटू, ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2017 में 4 मार्क के लिए. अब ये दिखने में बड़ा ईजी लिखता है, डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, तो ऑफकोर्स 4 मार्क के लिए इतना आसान तो देंगे नहीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी. अब कैसा है, पहले तो ना जैसे साइन टू थीटा दिख गया तो उसमें हाफ एंगल फार्मूला तो डाल ही दो,
राइट, क्योंकि हमको सब थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है तो अपन कैसे मैनेज करना चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों करेंगे तो आपको बाद में समझेगा। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया साइन थीटा डी थीटा अपॉन, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसमें से ना ऊपर जो है साइन थीटा डी थीटा रहने दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बचेगा वन प्लस टू कॉस थीटा। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा, और हम ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा डी थीटा अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू कॉस थीटा। और अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि अब हम कॉस थीटा की जगह टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। नाउ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी, हम सब्सटीट्यूट लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी। सो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। सो हमारा जो इंटीग्रल है इसको दे देते हैं नाम आई। तो हमारा आई जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस टू टी। और अब तुमको समझ में आ रहा हो कि हाँ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम पार्ट्स लगा सकते हैं। इसको हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन, इसको लिख रहे हैं वन माइनस टी वन प्लस टी और ये है रहेगा वन प्लस टू टी। और अब हम पार्ट्स पे फोकस करेंगे। राइट, तो इसको हम लिखेंगे वन अपॉन वन माइनस टी वन प्लस टी और वन प्लस टू टी इज इक्वल्स टू लिखेंगे ए अपॉन वन माइनस टी प्लस बी अपॉन वन प्लस टी प्लस सी अपॉन वन प्लस टू टी। एट द एंड हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा वन इज इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस टी वन प्लस टू टी। राइट, देखो ए के नीचे कौन से आने वाले, बी और सी के डिनोमिनेटर्स, प्लस बी इंटू बी के नीचे आने वाले सी और ए और सी के डिनोमिनेटर्स। तो वन माइनस टी वन प्लस टू टी और प्लस सी इंटू सी के नीचे आने वाले ए और बी के डिनोमिनेटर्स वन माइनस टी वन प्लस टी। अब देखना हमको टी इज़ अ वेरिएबल, तो हम टी की जगह कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। रहा सवाल तो बोलेगा डिनोमीटर का क्या हो, तो डिनोमीटर में जैसे ये तीनों मल्टीप्लाई होने वाले हो इसके साथ कैंसिल होने वाले हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन है ये मेन है और इसकी जगह अब हमको टी के कोई भी वेरिएबल सब्सटीट्यूट करना है। सो अब वन में हम पहले क्या करेंगे, तो हमको अगर ए की वैल्यू चाहिए देखो यहाँ पर क्या करना, अगर हमको ए की वैल्यू चाहिए इस ए के, तो हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो बनाएंगे, मतलब इन शॉर्ट इधर वैल्यू निकलेंगी और ये दोनों ज़ीरो होने वाले हैं। राइट, तो पुट टी इज इक्वल्स टू वन, जैसे ही टी इज इक्वल्स टू वन पुट किया तो हमारे पास वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ए की ही वैल्यू आने वाली है बाकी सब ज़ीरो होने वाले हैं। राइट, टी इज इक्वल्स टू वन पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा टू प्लस थ्री सॉरी टू इंटू थ्री। राइट, टू इंटू थ्री आने वाला है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा वन बाय सिक्स। राइट, फिर पुट टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखना हाँ ए इंटू टू बाई थ्री, और देखो ये कैसे आया, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, बी और सी में जैसे ही वन वन पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा। अब वैसे हमको बी की वैल्यू चाहिए तो हमको बी का जो डिनोमिनेटर है, देखिए b का जो डिनोमिनेटर 1 प्लस टी, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो पुट टी इज इक्वल्स टू पुट टी इज इक्वल्स टू माइनस वन। जैसे ही हमने ये डाल दिया तो 1 इज इक्वल्स टू a तो 0 होने वाला है प्लस c भी 0 होने वाला है। रहा सवाल b का, तो b में वैल्यू पुट कर दो t इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो b इंटू वन प्लस वन इंटू वन माइनस टू। राइट, इधर माइनस वन डाल देंगे तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल्स टू b इंटू 2
2 into minus 2, that is minus 4. Sorry, b into 2 into minus 1, that is ho jayega minus 2. Sorry. So b ki value aage hamare paas minus 1 by 2. वैसे ही c की वैल्यू, c के लिए हमारा c का डिनोमिनेटर क्या है, 1 plus 2t. इसको 0 बनाना है तो हमको क्या डालना पड़ेगा, t की जगह पे minus 1 by 2 डालना पड़ेगा. तो t is equals to minus 1 by 2 अगर डाला तो हमारे पास 1 is equals to a into 0 plus b into 0 plus c into, अब c के coefficients क्या थे, तो c के है 1 minus t, that is हो जाएगा 1 plus 1 by 2 और ये हो जाएगा 1 minus 1 by 2. So, इस बहाने 1 is equals to आ जाएगा c times 3 by 2 into 1 by 2 और therefore c आ जाएगा मेरे पास 4 by 3. Finally, हमारे पास ये सारी values आ गए तो हमारा problem solve हो चुका है. अब ये पूरी की पूरी values I में डालेंगे, I is equals to आ जाएगा integral a, a की value क्या थी, तो a की value थी 1 by 6. So 1 by 6 upon kuch to bhi, b ki value minus 1 by 2 upon kuch to bhi, aur c ki value plus plus, aur c ki value 4 by 3 upon kuch to bhi. Right, ab dekhna yahan pe I jo apna integral hai na, yahan pe ek minus tha, right, ye minus wala integral humne sirf andar ka hi substitute kiya tha, to ye minus bhi apne ko bahar lena padega, 1 minus t, 1 plus t, 1 plus 2t, to ye minus time 1 minus t, 1 minus t, second, sorry, 1 minus t, 1 plus t, 1 plus 2t, 1 plus t or 1 plus 2t dt, right, which is equal to minus bahar ka dhyan dena, ye ho jayega, ab ye plus 1 by 2 ho jayega, to ye 1 by 2 times, ab log apan directly integral de sakte, log of 1 plus t, right, ये माइनस होने वाला, तो माइनस 1 by 6 टाइम्स log of 1 minus t और माइनस 4 by 3 टाइम्स log of 1 plus 2t plus c, राइट अब हमारा ये चीज आ गया है, तो व्हिच इज इक्वल्स टू, अब ये चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, बट वैसे ऐसा सच कुछ जरूरत नहीं है, हम लिख लेंगे इसको सीधा आंसर 1 by 2 log of जो भी हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया था, तो t की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट किया था cos theta, तो हम वो इधर लिख लेंगे, तो log of 1 plus cos theta minus 1 by 6 log of 1 minus cos theta और minus 4 by 3 log of 1 plus 2 cos theta plus c, सॉरी cos थीटा नहीं cos x आएगा, इधर सब जगह cos x आएगा क्योंकि हमने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, cos थीटा ही आएगा, ओ x और ये सब कंफ्यूजन है.